सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सस्काल गुड डे मैं आ, इंटरनेट पे एक खबर देख रहा था कि ट्विटर पर किस तरह ट्रोल्स जो हैं वो अपनी ट्रोलिंग करते हैं और कहानी कहीं की कहीं पहुंच जाती है लेकिन जब मैंने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बहुत दिनों बाद एक बार फिर देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि इमरान खान तो खुद एक बहुत बड़े ट्रोल हैं वो एक ही राग अलापते रहते हैं आरएसएस हिंदुत्व एस हिंदुत्वा के खिलाफ आप उनके ट्विटर अकाउंट पर चले जाइए आपको हर तीसरे चौथे रोज उनके कुछ दो तीन ट्वीट्स आए होते हैं जो हिंदुत्व और आरएसएस के खिलाफ होते हैं और ना तो उनको आरएसएस का पता है ना हिंदुत्व का पता है ना बीजेपी का पता है ना वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जानते हैं ना वो डिप्लोमेसी को समझते हैं ना उनको हमसायगी का एहसास है कि आफ्टर ऑल एक ही रीजन में रहते हुए किस तरह अच्छे हमसायों की तरह रहा जा सकता है दुरुस्त है बाद अब अच्छे हमसायों में अख्तलाफा होते हैं मेल मुलाकात नहीं होती मगर इतना तो ख्याल होता है कि कोई ऐसी सख्त बात गैर ज़रूरी न कह दी जाए जिसकी बिना पर अख्तलाफा और बढ़ जाए मगर हैरत होती है कि एक मुल्क के वज़र अजम यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इतना एहसास भी नहीं है कि वो ट्विटर पर सुबह शाम ट्रोल करते रहते हैं अब वो जो ख़बर थी कि कुछ पाकिस्तानी ट्रोल्स ने एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स ने अरबी नामों में अपने आप को बदल कर एक फेक न्यूज़ का सिलसिला चलाया तो वो तो ट्रोल्स ऐसा करते हैं और इस तरह की जो रजीम होती हैं या पाकिस्तान की जिस तरह की इस्टैब्लिशमेंट है उस तरह की हरकतें तो करते हैं एक इस्पॉन्सिबल इस्टेबलिशमेंट के एक इस्पॉन्सिबल स्टेट के जो लोग हैं मगर प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा करें इस पर हैरत होती है आप छः मई की एक ट्वीट देख लीजिए ये स्क्रीन पर वो ट्वीट आपको नज़र आ रही है indian occupation is a direct consequence of india's oppression and brutalization of kashmiris. the fascist policies of the rss, bjp combine are fraught with serious risks. the international community must act before india's reckless moves jeopardize पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया ये अभी दो तीन दिन पहले छ मई की ट्वीट है अब आप उससे एक हफ्ता पहले की एक ट्वीट देखिए अंडर कवर ऑफ कोविड नाइनटीन ग्लोबल पेंडेमिक द मोदी गवर्नमेंट विद इट्स फाशिस्ट हिंदुत्वा सुपरमैसिस्ट आर एस एस ड्रिवन आइडियोलॉजी कॉन्टिन्यूज इस वॉर क्राइम इन आई ओ जे के एज़ इट वायलेट्स दर्थ जनी कन्वेन्शन बाई कॉन्टीन्यूंगाइड ऑफ कश्मीरीज अभी मैंने आपको एक ख़बर बताई जो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में छपी कि किस तरह पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की पुष्पनाही पर काम करने वाले कुछ ट्विटर अकाउंट जो हैं वो अपने नाम माजे साझे से बदल कर अरबी प्रिंस बन जाते हैं अरबी प्रिंसेस बन जाते हैं और भारत में मुसलमानों की बुरी हालत कोर्ट अंड कोर्ट का ढिंडोरा पीटते हैं फिर मिडल ईस्ट से ही मिडल ईस्टर्न गवर्नमेंट्स कंफर्म करती हैं कि उनकी तरफ से ऐसा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है ये ट्रोल्स हैं और ये पाकिस्तान की तरफ से ट्रोल्स चल रहे हैं लेकिन वो तो ट्रोल्स हैं इमरान खान तो ट्रोल नहीं है वो क्यों ट्रोल बन गए आफ्टर ऑल ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो ट्रोल क्यों बन गए अभी मैंने उनकी 6 मई और 30 अप्रैल की ट्वीट्स पढ़ी और अब मैं कुछ दिन पहले यानी 19 को यानी सिर्फ दो दिन पहले 19 अप्रैल को वो कहते हैं द डिलिबरेट And violent targeting of Muslims in India by Modi government to divert the backlash over its COVID-19 policy, which has left thousands stranded and hungry. ये है उनकी tweet. Aur tweet में हैं में ज्यूज के साथ सलूक होता था यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो नाजी ज्यूज के साथ किया करते थे बड़ी उनकी मेहरबानी है ज्यूज का उनको बहुत ख़्याल आता रहता है आ, वरना जो पाकिस्तान की इन्वामेंट है उसमें तो जूस के लिए जिस तरह की आ, डेरागेटरी ज़बान इस्तेमाल होती है वो वहाँ के टेक्स्ट बुक्स भी वो वहाँ के अखबार भी वो वहाँ का मीडिया भी और वो वहाँ की बहुत सारी हज़ारों छपनी वाली किताबें भी हैं बहर एक तरफ तो इमरान ख़ान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि आम मुसलमानों को जबर का निशाना बना रहे हैं और उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट आती है रमज़ान के शुरू होने के मौका पर रमज़ान मुबारक I pray for everyone's safety, well being, and prosperity. May this holy month bring with it abundance of kindness, harmony, and compassion. May we achieve a decisive victory in the ongoing battle against COVID 19 and create a healthier planet. इमरान खान के दावे अपनी जगह पर वो अपनी तरफ से भरपूर प्रोपागेंडा कर रहे हैं जैसे उनका ये ख्याल है कि उनकी ट्वीट्स पूरी दुनिया में ये इतला पहुँचाएँगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मुसलमानों के साथ कितना बुरा सलूक करती है और उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रमज़ान की शुरुआत पर मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं रमज़ान की और बेस्ट विशेज़ कह रहे हैं मैंने पिछले दिनों मौलाना आज़ाद के ग्रैंड सन फिरोज बख्त अहमद साहब का एक इंटरव्यू किया उनके साथ एक कन्वर्सेशन हुई मेरी और उसमें उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह मुसलमानों के ख़ैर खा हैं और उसमें उन्होंने बताया कि आरएसएस कितनी सेवा की और इंसानी हमदर्दी की ऑर्गेनाइजेशन है मैं उनके इंटरव्यू में से एक झलक दिखाता हूं जो भारत के एक मुस्लिम रहनमा भी हैं मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और वो मौलाना आजाद की फैमिली की लेगेसी से जुड़े हुए हैं आइए उनका ये मेरे साथ कन्वर्सेशन के हवाले से वीडियो क्लिप देखिए और सुनिए आपने सवाल किया कि एक ऐसा यानी समझिए परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है इन दिनों और पहले भी क्रिएट किया गया कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनका नातका बम बं है बंद है उनको उनका जीना हराम कर रखा है आ, कुछ इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और भी बहुत सी बातें कही जा रही हैं, तो मैं बड़ी सफाई के साथ बतौर एक इंडियन मुस्लिम मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो इस कस्म के लोग हैं जो कि एंटी गवर्नेंस और एंटी इंडिया लॉबी के लोग हैं अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में एक पैरेलल लॉबी या गवर्नेंस आप कह सकते हैं ऐसा चल रहा है एक तो गवर्नेंस चल रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का और दूसरा गवर्नेंस चल रहा है इन्हीं जैसे लोगों का कि जिन्होंने ये एक फॉल्स एक पैराडाइम अनफॉर्चुनेटली क्रिएट कर रखा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और उनके उनके साथ ज्यादियाँ हो रही हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है बिल्कुल गलत बात है मैं इसको सिरे से नकारता हूँ क्योंकि अल्लाह का बड़ा कर्म है कि मुसलमान रह खान की हिंदुत्व आर एस एस बीजेपी के खिलाफ ट्वीट्स पढ़ता हूँ बयान पढ़ता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि इमरान खान किस दुनिया में रहते हैं और उनका क्या ये ट्रोल प्रोपागेंडा वजन रखता है पाकिस्तान के ही एक स्कॉलर खालिद उमर साहब जो इंग्लैंड में रहते हैं उन्होंने एक इंतहाई अहम आर्टिकल पिछले दिनों लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर भारत बन जाए तो उससे भारत का भी बहुत भला होगा और मुसलमानों का मज़ीद भला होगा और फिर उन्होंने मेरे साथ जो कन्वर्सेशन में बातचीत की मैं उसकी भी आपको एक झलक दिखाता हूँ मैंने खालिद उमर साहब से पूछा कि भारतीय ओरिजिन के बहुत सारे ऐसे लोग जो वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स टाइम्स और अदर वेस्टर्नर मीडिया आउटलेट्स में लिखते हैं वो हिंदू राष्ट्र के बारे में आरएसएस के बारे में इतना नेगेटिव क्यों लिखते हैं तो उनका बड़ा ही एक सैंपल जवाब था उनका कहना था कि उनका एजेंडा है हम देखते हैं सीजन जैसे लेफ्ट के राइटर्स हैं अरुंधति राय हो या और बहुत सारे नाम हैं वो भी इस वो बल्कि इससे ज़्यादा एक्सट्रीम पर हैं तो उनकी क्या वजह समझ आपको आती है अब बात सिर्फ इमरान खान के ट्रोल्स की नहीं बड़ी हैरत हुई मुझे जब हमारे अपने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ इमरान खान की तीन मई को टेलीफोन पे बातचीत हुई और उस बातचीत में कोविड नाइन्टीन के इश्यूज और इमरान ख़ान ने दस ट्वीट्स दी और ट्वीट्स में ये भी जिक्र किया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से कहा है कि चूंकि कनाडा जी ट्वेंटी का मेंबर है और कनाडा जी एट का भी मेंबर है और एक अमीर मुल्क है वो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों के जो डेट्स हैं उनके रिलीफ के लिए अपना किरदार अदा करे मदद करे वो जो कशकोल वाली सारी बातें हैं वो उन्होंने की जो वो अक्सर करते रहते हैं मगर उसके साथ साथ उन्होंने दो ट्वीट्स में जिक्र किया कश्मीर का ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो दोनों ट्वीट्स आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर डेमोनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोविड 19 पेंडेमिक Also apprised his Canadian counterpart of the situation in Indian occupied Jammu and Kashmir, where the communication restrictions and lack of unfettered access to medical and other essential supplies were compounding the COVID-19 challenges for the Kashmiris. Now, see, Prime Minister Justin Trudeau tweet ki Prime Minister Imran Khan ki जिक्र किया है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी ट्वीट में कहा आई स्पोक ऑन द फोन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अर्लियर टूडे वी टॉक्ट अबाउट द लेटेस्ट कोविड नाइनटीन डेवलपमेंट्स एंड द वी हैव टेकन टू प्रोटेक्ट पीपल एंड मी है सिर्फ इतनी ही बात की प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फिर उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की वेबसाइट पर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर छपता है और उसमें क्या इमरान खान के साथ जो बातचीत हुई उसमें वो कश्मीर का जिक्र करते हैं या भारत में मुसलमानों के हवाले से इमरान ख़ान जिस शिकायत का ज़िक्र करते हैं क्या वो उसका कोई वहाँ पर तस्करा करते हैं इस लेटर में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने लिखा है Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, to discuss the latest developments regarding the COVID 19 pandemic. The two leaders discussed their respective efforts to fight the pandemic and protect the health, safety, and Economic well being of their citizens. Prime Minister Trudeau thanked Prime Minister Khan for Pakistan's ongoing help to repatriate Canadians seeking to return home during this crisis. Prime Minister Trudeau and Prime Minister Khan spoke about the importance of a coordinated global response to the COVID 19 crisis and, in particular, support for the needs of vulnerable countries affected by the pandemic. In this regard, they welcomed measures such as the debt relief agreed by the G20. The Prime Ministers agreed to continue cooperating closely and noted the importance of the strong people to people ties between the two countries. COVID 19 is a rapidly evolving global challenge. The Government of Canada is working closely with local, provincial, territorial, and international partners to minimize its health. इकनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स इन कैनेडा एंड अराउंड द वर्ल्ड इतनी बात की हुई जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में किया इसमें किसी किस्म का कोई जिक्र ना तो भारत में मुसलमानों के हवाले से है और ना ही कश्मीर के हवाले से है मगर इमरान खान ने बात का बतंगड़ बना के और अपने ट्रोल प्रोपेगेंडा को आगे ले जाते हुए उन दस ट्वीट्स में दो ट्वीट्स भारत के मुसलमानों और कश्मीर के हवाले से थी अगर हम पाकिस्तान के वजीर अजम के ट्विटर अकाउंट को मजीद खंगालें और देखें तो सवाए ट्रोल के हमें कुछ नजर नहीं आता ऑन द अदर हैंड मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को एक बार फिर बहुत महीनों बाद खंगाला और उनके टाइमलाइन पे मैं आज की तारीख से लेकर कुछ तीन चार महीने तक गया कहीं पर वो पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं करते कोई नेगेटिविटी की बात नहीं करते व्यूअर्स मैंने एक मुख्तसर सा तजिया आपके सामने पेश किया इमरान ख़ान की ट्विटर पर ट्रोल्स के हवाले से यूट्यूब पर टैग टी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाए किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो टैग टी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.